93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। अक्षत ट्रेन में अपनी बर्थ पर पहुंचा और बेडरोल से चादर निकाल के बिछाने गया तो किनारे रखे कंबल को हटाते ही एक खूबसूरत सी घड़ी उसको मिली। उसने घड़ी तुरंत ही पहन ली। बड़े मजे से उसने अपने बिस्तर को लगाया और फिर सो गया। अक्षत वैसे तो बड़ी गहरी नींद में सोने का आदि था, लेकिन फिलहाल ट्रेन में कुछ खास नींद उसे आ नहीं रही थी। करवटे बदलता हुआ आधी नींद में ही काफी देर तक रहा और उसके बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो सोचा कि उतरकर पानी खरीद ले। घड़ी में उसने टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2 बजे थे। अक्षत उतरा और फैलकर एक अंगड़ाई भर ली थी। सामने देखा एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ अक्षत की ओर आ रहा था। अक्षत बुरी तरह से घबरा गया था लेकिन वहीं खड़ा रहा। लेकिन जब तक उसे समझ आता कि क्या हो रहा है, उतनी ही देर में वो आदमी दौड़ता हुआ अक्षत के आर पार निकल गया। अक्षत वहीं प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। उठ के पीछे उस आदमी को देखने पलटा तो पाया कोई नहीं था वहां, और स्टेशन की घड़ी में इस वक्त 2 नहीं रात के 11:30 बजे थे। अक्षत को समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या। वो पलटा वापस गाड़ी की ओर और इससे पहले कि वो कुछ करे, ट्रेन ना सिर्फ चल पड़ी बल्कि तुरंत ही बड़ी तेजी से भागने लगी। पानी भूलकर अक्षत ट्रेन के पीछे दौड़ा तो जरूर, लेकिन उसका दिन आज कुछ ज्यादा ही खराब था। हर 2 कदम बाद कभी उसे कोई धक्का मारता तो कभी कोई उसको लंगड़ी लगाकर गिरा देता। ट्रेन छूट रही थी और अक्षत कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसका दिमाग चला और उसने सामने वाले डब्बे में छलांग मार दी। अंदर दरवाजे पर खड़ा होके हांफता हुआ सांस ले रहा था और ऊपर वाले का शुक्र मना रहा था अक्षत, तब चौंक पड़ा जब उसकी उस भागती छूटती ट्रेन के दरवाजे पे खड़े खड़े ही उसने देखा कि ट्रेन तो अभी भी प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी थी। स्टेशन और उसकी दोनों की घड़ी में इस वक्त रात के 2 बजे हैं। अक्षत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पानी की एक बोतल खरीदने वो ट्रेन से नीचे उतरा। पानी खरीद कर पीते पीते ही उसने देखा कि ट्रेन सचमुच चल पड़ी है और वो सचमुच इस बार भागा ट्रेन के पीछे। ट्रेन ने तुरंत ही अचानक बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली। दौड़ते दौड़ते हर कदम पे कभी थका तो कभी लंगड़ी अक्षत को लगती गई, लेकिन अक्षत ने ट्रेन पकड़ ली और दरवाजे पर खड़े होके उसने अपने सामने देखा तो वही आदमी सचमुच ट्रेन के अंदर उसके सामने खड़ा था। और उसने एक बार फिर अक्षत के आर पार ट्रेन के बाहर छलांग मार दी। अक्षत थोड़ा सा लड़खड़ा गया और ट्रेन के दरवाजे के हैंडल को पकड़ के लटकते हुए हवा के थपेड़ों के बीच जब उसने आंख खोली तो नजर सीधी हाथ की घड़ी की ओर गई, जिसमें इस वक्त रात के 11:30 बजे थे।
93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। अक्षत को ट्रेन की अपनी बर्थ पर एक घड़ी मिली जिसका टाइम और प्लेटफॉर्म की घड़ी का टाइम अलग अलग था। वो जब प्लेटफॉर्म पे उतरा तो उसने देखा कि एक आदमी उसके आर पार दौड़ता हुआ निकल गया। ट्रेन भी पीछे से चल पड़ी और तुरंत ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। किसी तरह गिरते पड़ते उसने ट्रेन पकड़ी तो पाया कि ट्रेन तो अपनी जगह पर जैसे कि तैसे खड़ी थी। अक्षत दोबारा ट्रेन से उतरा तो इस बार सचमुच ट्रेन चल पड़ी और जब गिरते पड़ते ट्रेन में दोबारा चढ़ा तो देखा वही आदमी। एक बार फिर अक्षत के आर पार निकल गया, ट्रेन से बाहर कूद गया। अक्षत ने किसी तरह खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद जब वो अपनी बर्थ पर पहुंचा तो वहां एक आदमी पहले से ही कंबल ओढ़े सो रहा था। अक्षत ने उसको जाके जगाया तो उस आदमी ने उठ के कहा कि वो सीट उसकी है। अक्षत ने टिकट निकालते निकालते कहा, भाई साहब ये सीट मेरी है। लेकिन टिकट निकालते ही उसने देखा कि अक्षत की सीट दरअसल अपर बर्थ नहीं मिडिल बर्थ में थी। छोटा सा मुंह लेकर अक्षत चुपचाप बेडरोल खोल के चादर बिछाने लगा कि उसी वक्त उस आदमी ने जो ऊपर लेटा था उसने ऐसे कहा कि सुनाई भी दे और ऐसा भी लगे कि अपने आप से ही बोल रहा है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, दूसरों के सामान को अपना बना लेते हैं। हद है। अक्षत को यह बात चुभ गई। उसने उस आदमी से कहते कहते ही ऊपर देखा, देखिए भाई साहब मैं कुछ, लेकिन बीच में ही उसकी बात उसे काट देनी पड़ी क्योंकि जब ऊपर देखा तो वो आदमी वहां नहीं था। अक्षत मुंह खोले चौंक के बड़ी बड़ी आंखों से वहां देख रहा था जब उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। अक्षत तुरंत पलटा तो देखा टीसी सामने खड़ा था। टीसी ने उससे टिकट मांगा। अक्षत ने टिकट उसको निकाल कर दी और वापस चद्दर बिछाने लगा तो टीसी ने थोड़े गुस्से से उससे कहा कि भाई साहब आपकी मिडिल बर्थ नहीं है, आपकी बर्थ ऊपर है। सुनकर अक्षत ने कहा कि नहीं उसकी मिडिल बर्थ ही है, ऊपर की बर्थ तो किसी और की है। टीसी ने अपने हाथ में टिकट लेकर अक्षत की आंखों के 6 इंच पास ले जाके टिकट दिखाया और उनसे कहा, भाई साहब ये आप ही का टिकट है, अपनी टिकट लीजिए और चुपचाप ऊपर के बर्थ पर ले जाइए। टीसी इतना सब कह के वहां से चला गया और अक्षत कंबल ओढ़ के मुंह उसी के अंदर छुपाए हुए लेट गया। नींद उससे कोसों दूर थी। सारे हादसों के बाद उसे इतना डर लग रहा था कि वो डर से कंबल के अंदर ही थर थर कांप रहा था कि तभी कुछ ही देर में एक आवाज आई, कॉफी कॉफी चाय चाय। अक्षत ने डरते हुए अपना सर निकाला और हकलाते हुए कहा, भाई साहब कितना टाइम हुआ है? चाय वाले ने कहा कि अभी तो 12 ही बजे हैं साहब। अक्षत ने हाथ की घड़ी में टाइम देखा, 12 ही बजे थे। हंसते हुए अक्षत ने कहा, अच्छा एक चाय पिलाइए मुझे। चाय वाले ने एक चाय दी तो अक्षत ने 50 का नोट निकाल के उसकी ओर बढ़ाया जिसे देखते ही चाय वाले ने कहा, अरे साहब रुकिए पहले छुट्टा ले आऊं वरना कहीं ट्रेन चल पड़ी तो आप कहेंगे कि आपका पैसा मार दिए हम।
वैसे भी आजकल तो दूसरों का सामान कब कौन हथिया ले कौन जाने। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन टू प्रवीण के साथ। अक्षत को जब ट्रेन में एक घड़ी मिली तो उसने उसे रख लिया और वहीं से शुरू हुआ उसका बुरा वक्त। पहले तो एक स्टेशन पे रुकना और वहां उसका एक आदमी को देखना जो दौड़ता हुआ उसके आर पार निकल गया। फिर एक आदमी का उसकी बर्थ को अपना बताना और तीसी का उसकी बर्थ को अक्षत का बताना। उसके बाद अचानक ही उस आदमी का गायब हो जाना और चाय वाले का उसी आदमी की तरह दूसरों की चीजों को हथियाने की बात करना। चाय वाला जैसे ही छुट्टा लेने को एसी कंपार्टमेंट के बाहर निकला तो अक्षत पता नहीं क्यों उसके पीछे पीछे निकल पड़ा और दरवाजे पर जाके खड़ा हुआ तो बाहर देखते ही अक्षत ने यही सोचा कि बेहतर होता अगर वो आता ही नहीं वहां, क्योंकि ट्रेन अभी भी वहीं खड़ी थी जहां कुछ घंटों पहले वो सारे हादसे अक्षत के साथ हुए थे। अक्षत ने प्लेटफॉर्म की घड़ी में टाइम देखा। इससे पहले कि अक्षत कुछ समझ पाता वही चाय वाला उसके सामने दरवाजे पर खड़ा था और कह रहा था, साहब मेरे चाय के पैसे? अरे साहब चाय पी है, पैसे तो दीजिए। हाँ, दूसरों का सामान और पैसा देखते ही सबकी नीयत खराब हो ही जाती है। अक्षत ने एक 50 रुपए का नोट जेब से निकाला और सीधे उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, लो तुम्हारी एक नहीं 10 चाय के पैसे, और छुट्टे बच जाए तो रख लेना अपने पास ही। इतना कह के अक्षत ने कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। एक गहरी सांस लेकर बस पलटा भर था कि उसके सामने उसने देखा टॉयलेट वाली जगह से वही चाय वाला मुस्कुराता हुआ हाथ में कुछ रुपए लिए खड़ा था और कह रहा था, ये लीजिए बाबूजी आपके छुट्टे। अक्षत ने ना इधर देखा ना उधर, सीधा कंपार्टमेंट के अंदर भागने को हुआ तो किसी चीज से उसका सर बड़ी जोर से लड़ा और वो गिरकर वहीं बेहोश हो गया। होश तुरंत तो नहीं आया लेकिन धीरे धीरे आ रहा था। किसी चीज पर उसे लिटा के ले जाया जा रहा था लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसकी आंख नहीं खुल पा रही थी। अक्षत सिर्फ सुन पा रहा था और उसी वक्त उसे बड़े और भारी दरवाजे के खुलने की एक आवाज सुनाई दी। अंदर जाते ही लगा जैसे काफी सारे लोग हैं उसके आसपास। लोगों की बात करने की आवाज तो आ रही थी लेकिन काफी दबी हुई, जैसे उनका मुंह किसी चीज से ढका हुआ हो, और साथ ही आवाज आ रही थी स्टील के बर्तनों के खड़खड़ाने की। तभी एक और आवाज हुई। इस आवाज के साथ ही अक्षत की आंखों पर बहुत ही तेज रोशनी पड़ी जिससे उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और आंख खुलते ही उसने देखा कि उसे घेर कर चारों ओर डॉक्टर खड़े हैं, मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं और ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स चल रही हैं। अक्षत
चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स एक के बाद एक औजार लेकर ऑपरेशन किए जा रहे थे। अक्षत को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे एनेस्थीसिया की वजह से कुछ महसूस ही नहीं हो पा रहा था और साथ ही वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद मास्क के पीछे से डॉक्टर की मुस्कुराहट समझ आई, जिसका मतलब ये था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अक्षत की भी जान में जान आई कि वो ठीक था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी और बड़ी होती गई और ताकत लगाते लगाते वो आखिरकार चिल्ला ही पड़ा। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन टू प्रवीण के साथ। अक्षत ने ट्रेन में उसकी बर्थ पे पड़ी हुई एक घड़ी को देख उसे अपने साथ रख लिया और उसका बुरा वक्त उसी से शुरू हो गया। कभी किसी का आर पार निकल जाना तो कभी चाय वाले का प्लेटफॉर्म से पलक झपकते ही बंद दरवाजे के पीछे से अक्षत के सामने आना और भागने जाओ तो सर पे चोट लगना, और जब आंख हॉस्पिटल में खुली तो डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे, जिसे देखते ही अक्षत जोर से चीखा। अक्षत ने देखा कि उसका बायां हाथ कोहनी के थोड़े नीचे से काट दिया गया था और एक ट्रे पे किसी शोपीस की तरह रखा हुआ था और उसके बाएं हाथ की कलाई में थी वही घड़ी। अक्षत बस बुरी तरह रोते रोते इतना ही कह पाया, क्यों डॉक्टर ने मास्क पहने पहने ही बोला, अब दूसरों की चीजों को ऐसे ही अपना बनाने वालों को यही सजा मिला करेगी। वैसे आपने बिल तो ट्रेन में ही दे दिया था, ये लीजिए आपके छुट्टे पैसे। इतना कह के उस डॉक्टर ने अपना मास्क उतारना शुरू किया और ईसीजी की आवाज तेज होती जा रही थी। पूरा मास्क उतरा तो देखा ये तो वही चाय वाला था और अक्षत चीखता जा रहा था कि तभी अक्षत की आंख खुली तो उसने देखा कि वो ट्रेन के अंदर ही था। अक्षत इस बेहोशी की हालत में ही उठा और मुंह धोने टॉयलेट के पास चला गया। मुंह धोकर कुछ देर वो दरवाजे पर खड़े रहकर ताजी हवा खाने की कोशिश कर रहा था। अक्षत को दूर से आता हुआ एक प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा था। वो वही खड़ा ही था कि ट्रेन की किसी ने चेन खींची और ट्रेन ऐसी तेज आवाज करते हुए रुकी जैसे कोई चलती हुई गाड़ी रुकती है। चीख सुनकर अक्षत दौड़ के अंदर गया और जाके देखा कि उसकी बर्थ के सामने एक औरत बुरी तरह चीख चीख के रो रही थी और उस पे लेटा आदमी बिल्कुल शांत पड़ा था। उस आदमी की मौत हो चुकी थी और वो औरत अपने पति के मरने के गम में रो रही थी। पूरे कंपार्टमेंट के पैसेंजर्स
इधर उधर से जमा हो गए थे। कुछ देर बाद ट्रेन चलकर प्लेटफॉर्म पर रुकी। पुलिस और डॉक्टर्स ने लाश को उठाया और उठाते वक्त ही अक्षत ने उस आदमी के चेहरे को देखा। ये वही आदमी था जो प्लेटफॉर्म पे उसके आर पार निकल गया था और अपर बर्थ पर लेटकर अक्षत की सीट मिडिल बर्थ को बता रहा था। लाश उठा के जब सब ले जा रहे थे तो पागलों की तरह रोती बिलखती उसकी बीवी इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। अक्षत ने उनसे पूछा कि आप क्या ढूंढ रही हो, तो उस औरत ने कहा, देखिए ना भाई साहब, कैसा जमाना आ गया है, पुर्दों की घड़ियां भी लाशों पे से गायब हो जाती है। मेरे पति को अपनी घड़ी से बहुत प्यार था, कहते थे जहां ये घड़ी होगी मैं वही होऊंगा। अक्षत तुरंत उस प्लेटफॉर्म पर अपना सामान लेकर उतर गया और थोड़ा आगे जाने पर जब उसने अपने दाहिने पॉकेट में हाथ डाला तो पाया कि वो घड़ी उसके पॉकेट में ही थी और उसके ठीक पीछे किसी के कदमों की आहट आ रही थी। जब अक्षत ने पलट कर देखा तो वही आदमी दौड़ते हुए अक्षत के आर पार निकल गया। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।